friends. Today's lecture is about inflammation. Kya hota hai inflammation? What is inflammation? Inflammation, it is a kind of local response of living mammalian tissue against any injurious agent. कोई भी एजेंट अगर अपनी बॉडी में इंजरी करवा रहा है और उस इंजरी के अगेंस्ट जो अपने बॉडी का लिविंग बॉडी का जो लोकल रिस्पॉन्स होता है दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज योर इन्फ्लामेशन. तो क्या होता है इन्फ्लामेशन? इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग mammalian tissue. जबकि जो इन्फेक्शन होता है वो अपनी बॉडी में अगर एंटर करता है एनी इन एनी फॉर्म तो वो अपनी बॉडी में डैमेज करता है. इन्फेक्शन कॉज डैमेज इन आवर बॉडी, जबकि जो इन्फ्लामेशन है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ओके, कोई भी अपनी बॉडी में जब इंजरी होती है तो पहले क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है एंड आफ्टर इन्फ्लामेशन वहाँ पर क्या होती है? फॉलोड बाय हीलिंग. वो जो इंजरी हुई है वो एक तरह से रिपेयर होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज योर हीलिंग. ओके, सो इन्फ्लामेशन इज फॉलोड बाय हीलिंग, फॉलोड बाय हीलिंग. नाउ अभी जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के कुछ साइंस होते हैं. मतलब कैसे पता चलेगा कि उस एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है? वैसे तो बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन का मतलब एक नॉर्मल लेमैन वर्ड में बोले तो इन्फ्लामेशन मीन्स बर्निंग, कहीं पे जलन हो रही है, कोई चीज बर्न हो रही है, जल रही है, गर्म हो रही है, दैट इज इन्फ्लामेशन. लेकिन बर्निंग एक अकेला ऐसा साइन नहीं है इन्फ्लामेशन का. इन्फ्लामेशन में सिर्फ बर्निंग नहीं दिखती, बर्निंग के साथ और भी फीचर्स दिखते हैं. ओके, सो एलोन बर्निंग इज नॉट इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन में सिर्फ बर्निंग नहीं होती है, उसके साथ कुछ और चीजें भी होती हैं. सो दोज आर कॉल्ड एज योर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. कार्डिनल मीन्स दीज साइंस शुड बी प्रेजेंट, दिखने ही चाहिए इन्फ्लामेशन में. ये जो कार्डिनल साइंस है इसको कौन सा सेंटेंस ने दिया था? सेंसस ने दिया था. ओके, नाउ दीज कार्डिनल साइंस देयर आर फोर कार्डिनल साइंस. वो चार कार्डिनल साइंस क्या क्या है? रेडनेस, स्वेलिंग, ओके, हीट एंड पेन. दीज आर योर फोर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, जो कि कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये साइंस दिखाई ही दिखाई देंगे इनको. ये तो नॉर्मल लेमन वर्ड में है और मेडिकली से क्या बोलते हैं? रेडनेस मीन्स व्यूबर, स्वेलिंग को बोलते हैं ट्यूमर, ओके, हीट को बोलते हैं कैलोर और पेन इज डॉलर. ओके, so these are your four cardinal signs of inflammation which was given by Celsus. फिर एक fifth sign भी आया. fifth sign जो था उसे किसने add किया था? वर्चो ने. इन्होंने क्या बोला कि fifth sign भी होता है, मीन जहां पे inflammation होता है
उस एरिया का फंक्शन कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, तो इन्होंने फिफ्थ साइन दिया, दैट इज योर लॉस ऑफ फंक्शन। That is called as your functional lesson. Okay? So these are your cardinal signs of inflammation. Mainly cardinal signs कितने थे? These four: rheumatoid, tumor, calor, dolor. जिन्हें सेल्सस ने दिया था। फिर एक fifth sign वर्चुअल ने discover किया, that is your loss of function, उसे भी add किया गया। So these are your signs of inflammation. जो कि कहीं पे भी अगर किसी भी तरह का इंफ्लेमेशन हो रहा है तो ये साइंस दिखाई देंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप्स। ओके, वी कैन से there are two types of inflammation. One is your acute and another one is your chronic. What is acute inflammation? Acute means short duration. कोई भी inflammation short duration का means within 2 or 3 weeks वो क्या हो गया, subside हो गया, ठीक हो गया, then that is called as your acute inflammation. So acute means short duration. जबकि chronic जो होता है, that is of long duration, लंबे time तक चलता है। अब वो long duration कैसा भी हो सकता है, 1 month भी हो सकता है, 6 month भी हो सकता है, year भी हो सकता है, कैसे भी अकॉर्डिंग टू डिजीज कैसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज योर क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है इसमें मेनली कौन सी सेल्स दिखती है, न्यूट्रोफिल्स या वी कैन ऑल्सो से दैट पीएमएन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स पीएमएन। ओके, जबकि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसमें कौन सी सेल दिखती है, इट कंटेन इन दिस लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स, दीज आर विजिबल इन योर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है ये कैसे होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दो रीजन हो सकते हैं, या तो एक्यूट को ट्रीट नहीं किया तो वो आगे चल के किसमें चेंज हो गया, क्रोनिक में चेंज हो गया, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो एजेंट्स होते हैं स्टिमुलस होते हैं फॉरेन बॉडी वो स्टार्टिंग से ही किस टाइप का इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, क्रोनिक टाइप का। तो या तो डिजीज स्टार्टिंग से ही क्या है, क्रोनिक है, या तो फिर एक्यूट को ट्रीट नहीं किया तो वो आगे चल के किसमें चेंज हो गया, क्रोनिक में चेंज हो गया। तो क्रोनिक के मेनली दो रीजन होते हैं, फर्स्ट इज योर If acute is not treated, then it changes into chronic. And disease from starting is of chronic variety. Okay? Chronic type ki disease hai. So these are your two types of inflammation. Ab inflammation ki etiology ki baat kare. Aap logon ne mera ek koi purana lecture dekha hoga last. Etiology of cell injury. Usme maine bataya tha कि अपने बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी हो रही है, सेलुलर इंजरी, क्योंकि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, किसी भी तरह की बॉडी में इंजरी हो रही है तो उनके रीजंस मैंने बताए थे। एक मेरा लेक्चर है एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं जो अपनी बॉडी में इंजरी करवा सकते हैं वो सारे फैक्टर्स उसमें दिए गए हैं। उन्हीं में से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन भी करवाते हैं, जैसे कि क्या इन्फ्लेमेशन भी क्या इंजरी के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स है, तो किस किस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट इज योर माइक्रोबियल, माइक्रोब्स के कारण बैक्टीरिया वायरस दिस थिंग। ओके, सेकंड इज योर
इम्यूनोलॉजिकल, कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ओके। थर्ड इज योर फिजिकल, चोट लग गई, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। केमिकल, टॉक्सिन गिर गया, कुछ कीड़े मकोड़े ने काट लिया। सो दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर इन्फ्लेमेशन, एक्यूट और क्रोनिक बोथ, ओके। सो आज के लेक्चर में याद है व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या, इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ओके, लिविंग ममेलियन टिश्यू अगेंस्ट एनी इंजीनियस एजेंट, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, और आगे चल के फिर उसमें क्या होता है, हीलिंग हो जाती है उस एरिया में, फॉलोड बाय हीलिंग। इन्फ्लेमेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्रोनिक इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक्यूट में मेनली न्यूट्रोफिल्स आर सीन एंड क्रोनिक में क्रोनिक सेल्स दिखती हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, दीज आर, ओके। नाउ जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं, दीज आर रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। और एक फिफ्थ साइन बाद में आया, वर्चुअल ने दिया, दैट इज योर लॉस ऑफ फंक्शन। सो दिस कंप्लीट्स योर इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।